दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब इंद्रदेव देवों के राजा हैं तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते, या फिर पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिसकी वजह से देवराज होते हुए भी इंद्रदेव की ना तो पूजा ही की जाती है और ना ही उनका कहीं मंदिर बना हुआ है। तो आइए मिलकर जानते हैं इंद्रदेव से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के बारे में। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंद्रदेव कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देव का नाम नहीं, बल्कि जो भी स्वर्ग लोक की गद्दी को प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं जिनका नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपिश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। ऐसा माना जाता है कि इंद्र पद पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा अपने सिंहासन छिनने का डर बना रहता था, इसीलिए वह किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था और इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथ भ्रष्ट कर देता तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसी घटना के बाद इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वो एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थीं। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और वो अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव धरती लोक से स्वर्ग वापस लौट आए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्रदेव ने एक दिन ऋषि गौतम के कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंचे। यह देखकर पहले तो अहिल्या ने मन ही मन सोचा कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु उन्होंने ऋषि गौतम रूपी इंद्र से कोई भी प्रश्न नहीं किया और उनकी सेवा में जुट गई। उधर कुछ समय बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहुरूपिये के साथ देखा और फिर उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये बहुरूपिया और कोई नहीं स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। ये देखते ही वो क्रोधित हो गए। क्रोध के आवेश में आकर ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए वो इतना आसक्त रहता है वैसी ही 1000 योनियां तुम्हारे शरीर पर निकल जाएं, और देवताओं के राजा होने के बाद भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना में ना के बराबर हो, और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। और ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया। जबकि दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं,
तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र का पूजा करना छोड़ दिया तो वे क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी, ऐसे में हम अपनी गायों को चारा कैसे खिला पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि आज से वे सभी इंद्र की जगह गाय और गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। उधर जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। इंद्र की आज्ञा से बादल मूसलाधार जल बरसाने लगे और जब लंबे समय तक वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी करहाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। इसके बाद से ही इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पर्व मनाया जाने लगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदिर उन्हीं देवताओं की बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र की पूजा ही नहीं की जा सकती तो ऐसे में फिर उनका मंदिर कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही आप द डिवाइन टेल्स पर अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।